नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। का हाल बहो जे कबो न रहलू अब्बा यूपी में सपा। भैया हो जैसे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य योगी महाराज पर ये समस्त उत्तर प्रदेश एगो विश्वास दिखौले उ खातिर हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोड़ छू के निहोरा करम सबके धन्यवाद देव की उत्तर प्रदेश ने अपना भविष्य चुना है, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चुना है। राम मंदिर बन रहा है, अब राम राज्य लाना है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जैसे पूज्य महाराज जी निरंतर काम करते हैं वो गति अब बढ़ेगी। इस नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा, सत्य होगा, झूठ नहीं होगा, सुरक्षा होगी, माँ बहनों की सुरक्षा होगी, बच्चों का भविष्य होगा, रोजगार होगा। हो हमनी के सम्मान मिली, आज पूरा देश देखा था, पूरा विश्व देखा था, एक आना स्टूडियो गवाह है आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का जो पूज्य महाराज जी लेने जा रहे हैं। एक बहुमत की जीत, एक बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार आज समस्त विश्व के नजर में एकाना स्टूडियो में कि आज पूज्य महाराज जी जब कहियन कि मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूं तो बम बम हो जाई हो, बोला जय श्री राम। एकाना स्टूडियो आवाज आनी चाहिए, गूंजनी चाहिए धरती, पता चले धरती को कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना के पूज्य महाराज जी इतिहास दोहरा रहे हैं, दोबारा एक मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। धन्य है ये राम की धरती, धन्य है ये कृष्ण की धरती, धन्य है मेरे भोजपुरिया समाज, धन्य है उत्तर प्रदेश की ये माटी। आज बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके, आज हम लोगों की मेहनत सफल हुई, जहां गए निहोरा किए, सबने आशीर्वाद दिया। तो बस यह कहें कि आज समस्त मंच, ये कलाकार जितने मेरे आए हैं, जितने मेरे भाई आए हैं, आज सब लोग यहाँ हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कुछ समय में वो भव्य मंजर शुरू होगा इस मंच से, वो इतिहास दोहराया जाएगा जहाँ पर पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त कैबिनेट और नए मंत्रिमंडल आज जो जो मिलेंगे बहुत सारी सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत खुशी का वक्त है, खुशी का पल है। भैया हो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जे मई जून के गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे उसको, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, भारत माता की। मेकाना स्टूडियो गूंज होनी चाहिए, भारत माता की जय श्री राम।